गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल आपको पता ही है, कल हम लोग गए थे DOPT और फिर खुराना साहब से मिले हैं। तो उसके बारे में मैं पूरी कंप्लीट जानकारी आप लोगों को देना चाहती हूँ, क्योंकि कल मैं नहीं दे पाई थी, कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी बात करने में। कल पूरा दिन इसी में लग गया, और जो हम लोग वहाँ अंदर गए हैं उसका मैं बता दूँ सबसे पहले, कि मैं पूरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहती हूँ। जब सुबह हम वहाँ पे पुलिस अधिकारियों से मिले हैं CGO कॉम्प्लेक्स में, तो उनको हमने यही समझाया कि सर ये सब चीज़ें हो रहा है यहाँ। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ पॉलिटिक्स चल रहा है, तो आप देख सकते हैं इतने हज़ारों की संख्या में कोई भी पॉलिटिकल झंडा नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं, और आपको अच्छे से पता है कि क्या डिमांड है, तो मैंने भी ये बात मुद्दा उठाया था। MTS का जो पेपर आउट हुआ था, हमने उनको यही समझाया कि MTS का जो पेपर आउट हुआ था, और वो आउट तो हमने ही एक्सपोज किया था, फिर मेरे नाम पे ही कंप्लेन कर दिया गया था। तो उन्होंने मुझे सीधा स्ट्रेट अवे एक शब्द में कहा कि मैडम आपका नाम तो विसल ब्लोअर में है, आप एक्यूज में तो आते ही नहीं हो, तो फिर आपको कैसे कोई परेशान कर सकता है। उसी समय मुझे जो महसूस हुआ वो ये महसूस हुआ कि मुझे जो पूरी तरह से मुझे जो बीच में डराया गया है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लीडर्स के द्वारा, इसलिए डराया गया है क्योंकि शायद उनको ये एहसास हो गया था कि बच्चे मेरा रेस्पेक्ट करते हैं और वो मेरे काफ़ी नज़दीक हैं, और शायद मेरी पकड़ उन पर ज़्यादा है। इसीलिए उन्होंने मुझे बिल्कुल बुरी तरह से डरा के, और उन्होंने मुझे हटाया ये कह के कि आपको CBI अरेस्ट करने आ रही है। भाई हम तो एक साधारण से शिक्षक हैं, और एक साधारण सा शिक्षक की इज्जत क्या है नेतागण में, वो वीडियो वायरल है ही, आप देख सकते हैं कि शिक्षक की क्या इज्जत होती है। तो हमें सीधा कहा गया कि आपको CBI के द्वारा अरेस्ट कराया जा रहा है और आप इधर उधर हो लीजिए। तो उसके बाद मैं थोड़ा पीछे हट गई, क्योंकि मुझे था कि मैं सरकार को चैलेंज नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ SSC में हुई धांधली को चैलेंज कर रही थी। 2014 में तो बढ़ चढ़ के हमने सरकार, मोदी सरकार के लिए हमने ही प्रचार किया था, और हम लोगों ने बच्चों को प्रमोट किया था कि आप साफ सुथरी सरकार लाइए। तो अगर ये कहा जाएगा कि नहीं हम सरकार के खिलाफ है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात थी। उसी समय मेरा माइंड बहुत क्लियर हो गया कि इसका मतलब है कि मेरा कहीं पर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सरकार कोई मेरे खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट का एक नतीजा निकलना चाहिए। और हम लोग ने कहा उनको, वहाँ जो पुलिस ऑफिसर्स थे, कि हमें आप मार्च करने का परमिशन दीजिए DOPT तक। तो उन्होंने कहा कि हम आपको मार्च करने का परमिशन सिर्फ इस लाल बत्ती तक दे सकते हैं, उसके बाद आपको संसद मार्ग से परमिशन लेना पड़ेगा। हमने जब संसद मार्ग के DCP से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये तो नॉन नेगोशिएबल है डिमांड आपका, वो हम दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी संसद चल रहा है, और संसद के जब चलता है सत्र के दौरान, हम कभी भी किसी आदमी को वहां पर मार्च करने का परमिशन दे नहीं सकते हैं, और आप लोग तो हजारों की संख्या में है, वो पॉसिबल नहीं है। हम फिर वापस आए हैं CGO कॉम्प्लेक्स, पूरे दिन का मैं आपको बता दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप 5 लोगों का डेलीगेट्स बनाइए जो सारा का सारा वहां पे रखेगा, और उनका एक चीज बहुत साफ कहना था कि मैडम हम लोग 5 बार मीटिंग करवा चुके हैं आपके डेलीगेट्स से, 5 बार कोई कुछ डिमांड करता है, कोई कुछ डिमांड करता है, कुछ डिमांड करता है, आप लोग के डिमांड्स इतने असीमित हो गए हैं कि वहां पर इतना कोई सुनने वाला है नहीं, आप अपने डिमांड्स पहले सीमित करिए। जब हमने कहा कि हम डिमांड्स बिल्कुल, बच्चों से जो हमने डिमांड्स लिया हम सीमित करके ही जाना चाहते हैं, तो उनका कहना था कि देखिए आपके हर बार न्यू डिमांड्स जाते हैं, कुछ डिमांड्स तो ऐसे हैं जो डिमांड्स को पहले से ही खारिज कर दिया गया है, इसीलिए सबसे पहले आप अपने डिमांड्स को कम्प्लीटली उसको कंसाइज करिए और तब वहां जाइए। हम DOPT में गए, DOPT का भी मैं आपको कंप्लीट आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि हम वहाँ होम सेक्रेटरी जी से मिले। होम सेक्रेटरी ने हमें
सबसे पहले जब हम आगे तीन टीचर बैठे और पीछे सोफा में दो स्टूडेंट बैठे, जो स्टूडेंट वहां पर पूरा कंप्लीट इस 14 से 18 दिन के बीच में वो रहे हैं, पूरा पूरी रात रहे हैं, वो इनका भी यही कहना था कि मैम सबसे पहले जो लोग फेसबुक में ही खाली हल्ला मचा रहे हैं वो कहाँ रहते हैं रात में। हम सिर्फ 40 से 50 लोग ही रहते हैं, कभी कभी तो 30 से 35 लोग हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम सबका की बात सुने तो सबसे पहले सब लोग रात में यहाँ रहे, हमारा भी तो कुछ वर्चस्व होना चाहिए ना। हमें तो कभी भी मार के यहाँ से भगा दिया जा सकता है, ये तो पुलिस वालों का एहसान है जो हमें छोड़ दे रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन में बच्चे रात में आपस में लड़ जाते हैं, वहाँ पे कुछ राजनीति पार्टियां भी है जो अपनी रोटियां सेकने के लिए कोशिश कर रही थी कि प्रोटेस्ट खत्म ही ना हो। तो हमने कहा कि इसको सबसे पहले हमें एक नतीजा तक पहुंचाना पड़ेगा। हम जब वहाँ पे गए हैं DOPT में, हम तीनों टीचर्स आगे बैठे, दो स्टूडेंट्स पीछे बैठे, तो उन्होंने सीधा होम सेक्रेटरी साहब ने छूटते ही कहा कि आप का क्या है स्टेटस, ये मामला एग्जामिनर और एग्जामिनी का है, आपका स्टेटस क्या है। जब हमने कहा कि सर आपके बार बार जो आपकी मीटिंग हो रही है वो मीटिंग हो रही है स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स अपनी मांग कितनी अच्छे से रख पा रहे हैं नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम उनको का डिमांड आपके सामने रखें। उसके बाद उन्होंने सीधा होम सेक्रेटरी साहब ने कहा कि नहीं, ये मामला एग्जामिनर एग्जामिनी का है, आप लोग पीछे बैठिए, स्टूडेंट्स को आगे बैठने दीजिए। सबसे पहले इस तरह से हम लोग को तो पहले पीछे हटा दिया गया, दोनों स्टूडेंट्स को बिठाया हमने, और सच कहें तो उन दोनों स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया। फिर उनसे कहा गया कि आपका एडमिट कार्ड दिखाइए, उन्होंने कहा ठीक है मैं सॉफ्ट कॉपी भी निकाल देता हूँ क्योंकि एडमिट कार्ड तो लेके हम लोग नहीं घूमते हैं। नहीं, आप एडमिट कार्ड पहले दिखाइए, आप कौन कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि देखिए सर, हम वहां पर बैठे हुए 15,000 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए वहां पे एक एक एग्जाम का रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो रहा है, आप पहले बात करिए और ये देखिए कि जो डिमांड है, जो सेकेंड डे से डिमांड है, उस डिमांड को आप नया नहीं बोल सकते सेकेंड डे से। इसीलिए सबसे मेन प्रॉब्लम यही हो गया कि हम लोग जब पीछे बैठे उसके बाद दोनों बच्चों को उन्होंने पहले तो मॉरली बहुत ही डाउन करने की कोशिश की कि ऐसा तो प्रोटेस्ट हमने देखा ही नहीं है, आपको नहीं पता कि आप लोग को क्या मिल गया, दूसरे तीसरे दिन ही अगर आपको इतना बड़ा उपलब्धि मिल गया है, आपकी CBI इंक्वायरी का आदेश हो गया है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए, ये प्रोटेस्ट टोटली अनएथिकल है। फिर मैंने उनको यही कहा कि सर वहाँ पर एक कप तक नहीं टूटा है, ये प्रोटेस्ट इतना शांतिपूर्ण है कि इस प्रोटेस्ट के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत शांतिपूर्ण है और गरिमा बना के बच्चे अपना डिमांड कर रहे हैं, वो धूप में तप रहे हैं, रात में वहाँ मच्छर काटते हैं, और उसके बाद आप ये बात नहीं कह सकते। उनका सीधा था कि आप कैसे बात करते हो, आपको आपका तरीका जो है ये सही नहीं है। मतलब प्रॉब्लम क्या था कि वो पहले तो हम लोगों को सुनने को तैयार नहीं थे, उनको लग रहा था कि हम लोग की डिमांड्स बढ़ती जा रही है, उनका था कि जो मामले कोर्ट में चले गए हैं हम उनके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते। इसीलिए कल मैंने जो रघुपति सर का पढ़ा, मुझे यही महसूस हुआ कि रघुपति सर बात बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन वहां पर सीधा आपके डिमांड्स को खारिज कर दिया जाता है ये कह के कि सीधा ये खारिज कह दिया जाता है ये कह के कि आप जो डिमांड्स कर रहे हैं, आप डिमांड्स जो कर रहे हैं वो डिमांड्स बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने कोशिश की, हमने ये कोशिश की कि पीछे से ही हम लोगों ने, हम तीनों टीचर्स ने धीरे धीरे अपनी बात करने की कोशिश की, और उनको हमने एक तरह से लास्ट में ये हुआ कि हम लोग उन पर हावी हुए हैं और अपनी बात रखने की कोशिश की है। हमने उनको यही कहा कि सर सबसे पहले एक चीज है कि बच्चे वहां पे जो बैठे हैं वो आप CGL वाले नहीं बैठे हैं, CGL वाले अगर बैठे हैं तो प्री वाले बैठे होंगे, लेकिन वहां MTS के हैं, CHSL के हैं, उनको आप पहले देखिए ना, क्योंकि उनका डिमांड क्या है, उनका डिमांड है CBI। इसीलिए आप CBI का अगर आदेश कर देंगे, तो उनका यही कहना था कि इतना बड़ा आदेश मैं अपने लेवल पे तो नहीं दे सकता हूँ, मुझे मिनिस्टर साहब से कल मेरी 12:30 मीटिंग है,
10 बजे मीटिंग है, 12:30 बजे के बाद हम कुछ नोटिस इश्यू कर सकते हैं। और आप क्या समझते हैं, अगर चावल पक गया, अगर ये चेक करना है तो एक चावल चेक किया जाता है ना कि पूरा चावल चेक किया जाता है? हमारा यही था कहना कि सर आपने जो आदेश दिया है, आपने आदेश दिया है 17 से लेकर 21 तक का। जब 17 से लेकर 21 तक का आदेश है तो फिर जो सीबीआई होगी, सीबीआई उसके आगे तो जाएगी ही नहीं। तो उनका था कहना कि आप ऐसे कैसे मानते हैं। सेम बात जब मैंने कल शाम को रात में जब मैं खुराना साहब से मिली हूं तो उनका भी यही कहना था कि सीबीआई जो जांच शुरू हुई है वो परत दर परत वो हर एग्जाम में चला जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। फिर मैंने यही कहा कि सर अगर ऐसी बात है, प्रोटेस्ट तुरंत ही खत्म हो जाएगा अगर आप ये बात खाली लिखित में दे दीजिए अपने नोटिस में कि वो जो सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेट करेगी और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में अगर ये निकल जाएगा तो उसके बाद वो सारे एग्जाम्स जो जो उसके दायरे में आएगा वो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होगा। तो उनका कहना था कि ऐसी बात है तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है। नाउ वॉट एवर प्रूफ यू गिव, वो सारा प्रूफ हम सिर्फ उनको पहुंचा सकते हैं। अगर आपको रिसीविंग चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए, वो हम आपको दे सकते हैं। उससे ज्यादा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम आपके दिए हुए सबूत को देख भी नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वो चालू हो चुका है। वो बहुत शांत तरीके से खुराना साहब ने मुझे बहुत सभ्य तरीके से उन्होंने मुझे बात कह के ये भेज दिया कि जो मामला है वो ऑलरेडी सीबीआई के पास जा चुका है, इसलिए अब मैं इसके मामले में आपको कोई भी रिपोर्ट नहीं कर सकता। मैंने कहा कम से कम आप ये तो करवा सकते हैं डीओपीटी से कि इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुका है और इसके दायरे में या इसकी जड़ जिन जिन एग्जाम्स में है वो सारे एग्जाम्स से के बारे में अगर खुलता जाता है परत तो सारे का जांच होगा, अगर आप ये कर दें तो। उन्होंने सीधा कह दिया कि हम नहीं कर सकते। वापस आती हूँ मैं डीओपीटी की बात जो बता रही थी आपको। डीओपीटी में भी मैंने यही कहा कि सर अगर आप उसमें सिर्फ ये लिख दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन जो चालू हुआ है उसके जड़ जिस जिस एग्जाम में पहुंच रही है अगर उसको भी सम्मिलित कर लिया जाए। तो उन्होंने सीधा यही कहा कि देखिए मैडम, हम सब एग्जाम्स का जांच करके सारे एग्जाम्स को होल्ड कर दे और अगले 3 साल तक हम कोई जॉब ना दे युवाओं को, तो ये आपका जो डिमांड है वो डिमांड नाजायज है। और ये तो मैंने ये भी कहा उनको कि सर हमारा ये डिमांड नहीं है कि आप सबको होल्ड में डाल दीजिए, हमारा है कि पैरेलल हो जाए। तो उनका कहना था कि पैरेलल नहीं होता, अगर पैरेलल होता तो पैरेलल इस तरीके से नहीं होता है। उनका यही कहना था कि अगर कोई एग्जाम का अगर सीबीआई जांच हो रहा है तो वो सीबीआई जांच तक जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है उसका, तब तक हम लोग उसका रिजल्ट आउट नहीं कर सकते। ये उन्होंने सीधा कह दिया। इसलिए उनका कहना था कि आपका जो कहना है, हमने वही समझाया उनको कि आप सर ने कहा कि खुराना साहब खुद कह रहे हैं कि ऐसे लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं जिनको 2 लाइन ढंग से लिखना नहीं आता है, ये तो आपके एसएससी चीफ का कथन है। तो उनका कहना था कि आप लोग इम्प्रूवमेंट की बात करिए कि इम्प्रूवमेंट क्या किया जा सकता है। हमने सिर्फ एक ही दो चीज़ों पर हम जोर दे रहे थे कि सर, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन का मामला को सीधा उन्होंने खारिज इस बात पे कर देते हैं, वो हर मीटिंग पे बात होती है उनसे नॉर्मलाइजेशन की कि वो सब जुडिस है, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरा है कि उनका जो एज रेकनिंग का मामला, आपका जो है एज रेकनिंग के मामले में हम ऑलरेडी कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन जो एडवोकेट लूथरा है जिनके थ्रू ये सारे केसेस हम लोग देखते हैं, तो एडवोकेट लूथरा से कुछ स्टूडेंट्स मिले थे और वो बाद में मुझसे भी आके वो स्टूडेंट्स मिले हैं। उनका कहना था कि लूथरा साहब, अब जब वो डीओपीटी का जो वो नोटिस आया हुआ है रिगार्डिंग एज रेकनिंग, वो उन्होंने जो देखा है उसके अनुसार केस कमजोर है तो वो केस लेने से मना कर रहे थे। हालांकि पिछले कुछ सालों से जब वो 1 जनवरी था तो वो अभी भी हो सकता था अगर थोड़ा सा इसको सिंपैथेटिक तरीके से ट्रीट किया जा सकता तो, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो उनका नोटिस था डीओपीटी का उसके हिसाब से
वो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों के मामलों को तो सीधा सीधा ऐसे ही खारिज किया जा रहा है। जहां तक हम लोग का सवाल था, आपको नहीं पता, वहां पे सब लोगों का जो एक एटीट्यूड था वो यही था कि ये प्रोटेस्ट जो है ये राजनीतिक पार्टियां और कोचिंग सेंटर इसको चला रही है, और इसको ऐसा ये मॉन्स्टर बन गया है कि आप लोगों की भी औकात नहीं है कि आप इसको खत्म करा सकते हैं। जब हम उनको काफी विश्वास दिलाएं कि सर हम लोग खत्म करा देंगे, आप सिर्फ सिर्फ कोशिश करिए थोड़ा सा कि हमारा साथ दीजिए, जो बच्चे चाह रहे हैं आश्वासन आप उनको दे दीजिए, आप उनको लिखित में दे दीजिए, हम लोग आश्वासन देते हैं आपको कि हम लोग बच्चों को यहाँ से उठा देंगे। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जो बहुत ज़्यादा, मैं कह रही हूँ करीबन 1.5 घंटा तक, 1.5 घंटा तक ये सब मामले चलते रहे, तो लास्ट में जो बातें उन लोगों ने अपने मुंह से मानी हैं जिसके लिए वो रेडी है, आगे का मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ। ऑनेस्टली हम लोग हमेशा ईमानदारी से बच्चों के साथ काम करते हैं, क्योंकि आपके बीच में ही रहना है, आप लोग के साथ ही चलना है। ना ही कोई राजनीतिक पार्टी मेरी है और ना ही कोई मेरा होने वाला है, आपसे हम हैं। इसीलिए आपको सिर्फ मैं बता दूं कि जो मांगे मानी गई है, वो पहली मांग सबसे पहले तो वो सीबीआई इंक्वायरी का, जहां तक है सारे एग्जाम्स का, उनका कहना था कि ये हम अभी नहीं मान सकते, ये मिनिस्ट्री लेवल का है बात है, वो मिनिस्ट्री लेवल से जब हम मिनिस्टर साहब से कल मिलेंगे तो उसके बाद हम बताएंगे आपको क्या करना है। जो मानी गई है वो टेक्निकल असेसमेंट, सारे एग्जाम्स का जब से ऑनलाइन हुआ है तब से सारा टेक्निकल असेसमेंट होगा, और इसका मतलब है कि सारे एग्जाम्स का टेक्निकल असेसमेंट होगा। पहला जो डिमांड है, जो पहला है वो उन्होंने ये माना है। दूसरा, हमने जब कहा कि यहाँ पे जैसे पूजा रानी का केस था वो तो इसीलिए पकड़ा गया क्योंकि बच्चे वहाँ हंगामा कर दिए, लेकिन क्या कहीं पर भी कुछ ऐसा है जहाँ पे बच्चे एसएससी से कांटेक्ट कर सके? उस पर उन्होंने कहा है कि विद इन 3 डेज हम ग्रीवांसल बना देंगे, जहाँ पे जिसके पास जो भी सबूत हो वो सबूत लेके पहुंचे, और या तो फोन करके, और वहां पे वो सारा मैल प्रैक्टिसेस का सजेशन एंड कंप्लेंट्स वो ग्रीवान सेल में देंगे, जिस पर पूरा कंप्लीट इंक्वायरी होगा और जरूरत पड़ने पर जो अप्रोप्रिएट बॉडी होगा उससे इन्वेस्टिगेशन होगा। ये तो दो डिमांड था। तीसरा जो उन्होंने माना है उनका यही था कि हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, इसीलिए जितने जगह पे सेंटर्स है वहाँ पे अब एक गवर्नमेंट ऑफिसर को भेजा जाएगा ताकि वो पूरा कंप्लीट उनके अंदर ही पूरा विजिलेंट तरीके से जांच होगी वहाँ पे, और अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि किस तरह से टेक्निकली साउंड बना जाए, ताकि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके कहीं और रिमोट एक्सेस से उसको जो हैंडल किया जा रहा है वो सब ना हो, इसीलिए टेक्निकली और हम लोग साउंड बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आपके सजेशंस वेलकम है, सरकार बिल्कुल पारदर्शिता चाहती है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपके पास जो भी प्रूफ है वो सारे सबूत आप एसएससी चीफ को दे दीजिए, वो एसएससी चीफ सीबीआई को हैंडल कर देंगी, और सीबीआई जो है वो उस पर जांच जब करेगी, अगर इनका परत दर परत जहां तक खुलता है वहां तक इन्वेस्टिगेशन होगा। ये बात जब हमने कहा है कि ये चीजें आप हमें लिखित में प्रोवाइड कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैडम आप पॉइंट्स लिखिए जो बता रही हैं आप, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा मिनिस्ट्री से, और ये कल 12:30 बजे के बाद हम लोग इस चीज को डिस्कस करके ये कंप्लीटली आपको नोटिस डाल देंगे। देखिए, सबसे पहले जो दो तीन चीजें हैं कि जो मामले कोर्ट में हैं वो भी मामला आराम से निपटाया जा सकता था, अगर यहां पर अगर मामला सुन लिया जाता तो निपटाया जा सकता था, लेकिन जब वो स्ट्रेट अवे, प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग एक चीज नहीं समझ रहे हैं, हम लोगों को इस तरह से बिल्कुल ये फील कराया गया है कि आप लोग अननेसेसरी अनएथिकल तरीके से ये प्रोटेस्ट चला रहे हैं। हम उनको समझा रहे थे कि हम
प्रोटेस्ट खत्म करना चाहते हैं, बच्चों का डिमांड ये है, आप ये सिर्फ दो डिमांड लास्ट में वो मांग रहे हैं उसको भी आप मान लीजिए तो काफी हद तक मामला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसमें भी एक जो सीबीआई की डिमांड थी, उस सीबीआई के डिमांड पे उन्होंने सीधा मिनिस्टर पे छोड़ दिया, दूसरा मांग हमारा मान लिया, ये टोटल टेक्निकल असेसमेंट ऑफ सीफी और हर जगह पे ग्रीवांसेल और उसके बाद जो कंप्लीट मामला है वो यहाँ तक करने के बाद हम लोग एसएससी चीफ के पास गए। एसएससी चीफ ने सिर्फ जो हम उनको समझाना चाहते थे वो उन्होंने सुन लिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो सबूत दे रहे हैं आप दे दीजिए, हम सीबीआई तक पहुंचा देंगे। और जो टेक्निकल असेसमेंट की बात आप बोल रहे हो ना कि टेक्निकल असेसमेंट कौन करेगा, टेक्निकल असेसमेंट जो करेगा बेसिकली इनका यही कहना है कि जब सीबीआई करेगी तो सीबीआई कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करेगी। और अगर आपको लग रहा है कि सीबीआई सिर्फ एसएससी सीजीएल तक रह जाएगी, हमने कहा भी कि सर अगर सीबीआई पूरा करेगा तो ये लिख के देने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उनका था कि नहीं ये चीज़ जब हम पहले तो आप 21 के लिए आ रहे थे आप लोग, फिर आप लोग ये कहे नहीं 17 से 21, उसके बाद कहते हैं सीएचएसएल, फिर कहते हैं एमटीएस, फिर कहते हैं ये फिर वो, आपका सिर्फ एजेंडा है परेशान करना। एंड फ्रेंकली बताती हूँ आपको कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं कल जाने के बाद मुझे यही महसूस हुआ कि जो बच्चे वहाँ शुरू से जा रहे हैं वो बच्चे भी बहुत मेंटली एक तरह से पहले तो उनको एक सिंपैथेटिक तरीके से नहीं देखा जा रहा है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा हम लोग भी एक कोचिंग सेंटर के मालिक का मुझे नहीं समझ में आता है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है। अच्छा दूसरी बात एक चीज़ और है कि वहाँ पे दोपहर में राहुल गांधी आ गए, वहाँ पे एक तरह के एकदम स्टैम्पीड का माहौल बन गया, यहाँ तक कि जब वो निकलने लगे तो मैं खुद गिर गई थी, क्योंकि एक पीछे से बच्चे हुजूम बच्चे निकले थे उनके पीछे, अगर वो थोड़ा देर रुक जाते तो वहाँ पर हमारा मार्च हो जाता, लेकिन वो तो फिर निकल के सीधा उन्होंने अपनी बात कही और निकल के चले गए। इससे देखिए बात क्या है ना, हमें इसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना है, हमारा जो डिमांड था वो जेन्युइन डिमांड है, हमारा सिर्फ है कि जो एग्ज़ाम्स में ब्लंडर चल रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। हालांकि सही माने में देखा जाए तो बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन हो रहा है, बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, इसीलिए अगर हम इस पर कंप्लीट स्टे लगा दें अगले 3 सालों के लिए या 2 सालों के लिए और सारा खुलवा दें तो जो जेन्युइन स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ भी बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। सेकेंडली आप एक चीज़ और जान लीजिए कि वहाँ पर 5 से 6 दिन जो टीचर्स रहे हैं और वो टीचर्स बाद में वहाँ से हट गए हैं, उनका भी एक कारण है कहने का, जो रीज़न है मैं समझ रही हूँ उनको भी, उनका कल मेरे से उनका यही कहना था कि मैडम क्यों जा रहे हो आप जूते खाओगे। मैंने कहा क्या हुआ, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो भी जा रहा है जो हेल्प कर रहा है जो बैठे हुए हैं ऑनलाइन जो यहाँ पर एक बार भी चक्कर नहीं लगाए हैं वो नौटंकी कर रहे हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और जूते मारेंगे आपको। इसीलिए आपने एक चीज़ मार्क किया होगा, जो टीचर्स वहाँ 4 से 5 दिन टिके रहे वो बाद में वहाँ से निकल लिए। इसीलिए आपको एक चीज़ बता दें, आप लोग को अपने डेलीगेट्स पे भरोसा करना चाहिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कब आएगा और क्या आएगा। हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन हाँ जो हमने डिमांड्स रखे थे हम दो डिमांड को बहुत भरपूर तरीके से रखे हैं, एक तो सीबीआई जांच सारे एग्जाम्स पे और दूसरा ये वेंडर चेंज, क्योंकि इसका हम असेसमेंट चाहते हैं पूरा कंप्लीट, वेंडर का जो असेसमेंट है वो पूरा कंप्लीट के लिए वो तुरंत उसी समय तैयार हो गए, लेकिन जो सीबीआई इंक्वायरी है उनका कहना था कि बहुत भारी चीज़ है, इसके लिए हमें मिनिस्टर साहब से बात करना पड़ेगा, मैं इसका कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ। आपको शायद नहीं पता कि जो ये गवर्नमेंट है वो इतनी आसानी से कैसे मान गई, वो हमें खुद आश्चर्य है, लेकिन इतना जल्दी नहीं होता। हाँ अगर आज जो नोटिस आता है उसके बाद देखा जाए कि हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ जैसे मैंने देखा है अभी रघुपति सर भी ऑनलाइन है, मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें गाइडलाइन दीजिए, क्योंकि हम बाहरी लोग हैं, हमें अंदर का ज़्यादा पता नहीं रहता है कि अंदर
किस तरह से सिस्टम काम करती है। हम जाके बड़े ऑनेस्टली एकदम अपने दिल को खोल कर रख देते हैं कि भाई बच्चे ये हमारे बच्चे हैं, ये तड़प रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो स्टूडेंट्स आज से 3 साल पहले आराम से सेलेक्टेड होते थे, आज वो मेरे पास आके गिड़गिड़ाते हैं कि मैडम हमें रिसेप्शन पर नौकरी दे दीजिए, हमें बैच चेकर की नौकरी दे दीजिए। आपको नहीं पता, दिल तड़प जाता है उस समय जब देखते हैं कि ये लड़का तो इंटेलिजेंट है और इस तरह से ये भीख मांग रहा है नौकरी के लिए। इसीलिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगी कि कोई हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अंदर का सिस्टम जानता हो कि अंदर सिस्टम कैसे काम करता है और किस हिसाब से काम करता है। मैं सिर्फ रघुपति सर से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सर इस प्रोटेस्ट को आप लीड करिए, आपको जैसी सुविधा चाहिए, आपको जो भी इनपुट्स चाहिए वो सब कुछ हम देने को तैयार हैं। लेकिन हाँ ये है कि हमने आपको बता दूं, मैं आप बाकी टीचर्स से भी पूछ सकते हैं और स्टूडेंट्स भी पूछ सकते हैं जो गए थे हमारे साथ। हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से बात रखी, यहाँ तक कि जो एसएचओ साहब थे वहाँ के, उन्होंने भी कहा कि मैं अभी तक बार बार जितने बार डेलीगेट्स मीटिंग के लिए आए हैं उतनी बार मैं आया हूँ। जिस तरह से इस बार आप लोग को पेशेंटली सुना गया और जितना आप लोगों ने अच्छे से अपने बातें रखी है उतना पहले कभी कोई रख नहीं पाया। हम समझ सकते हैं बच्चे आराम से टूट जाते होंगे क्योंकि उनसे जैसे मांगा जाता है अपना आप आईडी प्रूफ दिखाइए, अपना एडमिट कार्ड दिखाइए, कोई भी बच्चा डर जाएगा। इसीलिए हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि पूरा का पूरा कंप्लीट उस पर स्टे हो जाए, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अगर कंप्लीट स्टे हो जाएगा तो फिर आप लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अभी पेशेंस रख के जरा चेक कर लें कि क्या आता है, क्या वो हमें देते हैं, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। थैंक यू सो मच, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल दिल से आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच।